पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाजवादी व्यापार सभा मुरादाबाद मंडलीय सम्मेलन राही होटल दिल्ली रोड मुरादाबाद में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता डीपी यादव ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग द्वारा की गई और समस्त जिलों के जिलावार मुरादाबाद जिला अध्यक्ष समीर शर्मा मुरादाबाद नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल के साथ और भी लोग मौजूद रहे। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव हाजी इफ्तखार अली द्वारा प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग को समाजवादी भामाशाह अवार्ड से नवाजा गया और संजय गर्ग के द्वारा हाजी खार अली के कैंप कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग ने अपने भाषण में नोटबंदी, जीएसटी और विसंगतियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि व्यापारी और किसान दोनों देश के बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। व्यापारी और किसान दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर किसान खुशहाल होगा तो व्यापारी भी खुशहाल होगा, लेकिन बीजेपी सरकार द्वारा दोनों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बीजेपी सरकार बेनकाब हो चुकी है, सभी अपनी खुशहाली की राह सपा सरकार में देख रहे हैं। व्यापार सभा ने ठाना है सपा सरकार बनाना है, ये नारा लगाकर उपस्थित सभी लोगों ने ये संकल्प लिया कि 2022 में सपा सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनाई जाएगी। और कार्यक्रम के अंत में कोरोना महामारी से मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया। समाजवादी व्यापार सभा प्रदेश उपाध्यक्ष अजय सूद, प्रदेश उपाध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनोज बोरवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष अंशुल गुप्ता, प्रदेश सचिव हाजी इफ्तखार अली, हाजी अमीरुल खान, पंडित सत्येंद्र शर्मा, उमेश कुमार, राजेश अग्रवाल और सांसद जावेद अली खान और विधायक गण मोहम्मद रिजवान, पिंकी यादव, मोहम्मद फहीम और मुरादाबाद के कई सम्मानित व्यक्ति सम्मेलन में उपस्थित हुए। व्यापारी इस समय पूरा हताश और निराश है और उसका व्यापार कम हुआ है, उसकी आमदनी कम हुई है, उसका खर्चा बढ़ा है और इस बात के लिए वो ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वो अपनी पार्टी मानता था और ऐसे में जो लगातार पिछले 5 साल से हुआ है वो उसमें अब बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है, उसका आत्मविश्वास जगा है परंतु वो डरा हुआ है। हम उसे इस बात के साथ कि समाजवादी व्यापार सभा हर बाजार स्तर पर जाकर व्यापारियों से बहस कर उनके जहनों को बदल कर समाजवादी पार्टी के प्रति उन्हें जोड़ने का काम करें। कुमार नंदू ने एक बयान दिया है, उसने कहा कि अखिलेश यादव नजर ही नहीं आते, कहीं पर दिखाई नहीं देते, घर से बाहर नहीं निकलते, क्या कहना है आप? नहीं, ये कोई हम उन्हें कोई अथॉरिटी नहीं है इस बात का सर्टिफिकेट देने की, ना ही कोई उनसे पूछ रहा है। अगले अच्छा, इसके अलावा अभी दिल्ली का जो कल कांड रहा, न्यायालय में आए दिन दहाड़े गोली मार दी गई, एक बड़ा केस रहा, क्या कहना चाहेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बहुत खराब है। माननीय अखिलेश यादव जी ने डायल 100 की व्यवस्था कर उसे कंट्रोल करने का एक जरिया बनाया था जिसमें मिनिमम टाइम में रेस्पॉन्स टाइम था उसका, परंतु इन्होंने उसकी भी व्यवस्था को ख़राब कर दिया। सब पुरानी गाड़ियों को बदलने का काम नहीं किया गया, उसकी व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिकली तरह से परफेक्ट नहीं किया गया और जब हमारी सरकार आएगी तो हम कानून व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर बनाने का काम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं लगातार कि व्यापारी उनके साथ में है, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ सहूलियतें मिली हैं। व्यापारी का व्यापार घटा है, व्यापारी अपना रोजगार देख रहा है, वो सुबह से शाम तक गद्दी पर बैठता है और 1 रुपए की उसकी ट्रेडिंग नहीं होती। कोरोना ने, जीएसटी ने, नोटबंदी ने लगातार उसके ऊपर कुठाराघात करने का काम किया है, इसलिए 2022 के इलेक्शन को देखकर क्या कहेंगे व्यापारी? कितना 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय नेता को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। लगता है कि मुरादाबाद में भी अभी आपसी गुटबाजी नजर आ रही है, क्या लगता है अभी इस मंच पर भी? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक को अपना कहने का विचार रखने की बात है, पर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला होगा सभी लोग उसका उसे लबैक करेंगे और समाजवादी पार्टी का परचम उठाकर उसे जिताने का काम करेंगे। लगता नहीं 22 पर असर डालेगा ये? कोई असर नहीं डालने का काम करेगा, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 10 तरह का विचार है तो वो सामने आएगा ही, उसमें क्या बात है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।